स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऐसे अपराधों से संबंधित है जो अपराध ज्यादा संगीन प्रवृत्ति के नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्यार, आप सबके सपोर्ट की वजह से आज इस चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सहयोग बनाए रखिए और इस वीडियो को, इस चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और ऐसी जगह वो बेवकूफ़ होने से बच सकें जहाँ पर उनके साथ उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में। जजमेंट का नाम है सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह भी हाल में आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है और जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि क्या संगीन अपराधों में भी गिरफ्तारी जिस तरह से की जाती है उसी तरह से क्या कम संगीन अपराधों में भी गिरफ्तारी किया जाना अनिवार्य होगा। जैसे अगर हम कम संगीन अपराधों की बात करें तो हम 498A का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। 498A का एग्जाम्पल इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये आज के टाइम में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मामले आते हैं कोर्ट के पास। तो इस पर अगर हम बात करें या हम इन सारे अपराधों की बात करें जो कि ज़्यादा संगीन प्रवृत्ति के नहीं हैं, जो कम संगीन प्रवृत्ति के हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, चलिए अब हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में कहा है कि अगर इस तरह के अपराध हैं जो कि कम संगीन प्रवृत्ति के हैं तो उनमें गिरफ्तारी किया जाना आवश्यक नहीं है। गिरफ्तारी किया जाना कब नहीं आवश्यक है, जबकि जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हो रही है आप उसमें अपना पूरा सहयोग देते हैं। पुलिस के द्वारा आपको जब भी बुलाया जाता है आप जाते हैं, वहां पर आप उपस्थित होते हैं, आपसे जो भी बातें पूछी जाती हैं आप उसका सही सही जवाब देते हैं और बिना किसी भी परेशानी के आप सारी बातों को पुलिस के सामने रखते हैं। उनके द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में आप उनको सही जानकारी देते हैं। आपसे जो भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आपसे जो भी सवाल पूछता है आप उसका उसी तरह से जवाब देते हैं, ना कि उन्हें घुमा फिरा करके जवाब देते हैं और ना ही आप इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में तो आपको ऐसे मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं कि आपको ऐसे मामलों में गिरफ्तार तब नहीं किया जाएगा। अगर इसके बावजूद आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपके इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग देने के बाद भी अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप जो ये जजमेंट है आप उसकी कॉपी एक लगा सकते हैं और उसमें इस बात का आप अपने एडवोकेट के माध्यम से इस जजमेंट की कॉपी आप लगवाइए और निवेदन करिए कोर्ट से कि इस तरह के आपने पूरा सहयोग किया है और उसके बाद भी आपकी गिरफ्तारी की गई है, आपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने बिल्कुल भी कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं की है, आपको जब भी बुलाया गया आप उस समय पर आप पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, या अगर आप समय पर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो आपने उनसे समय मांगा है और आपने ये बोला है कि आपको एक दिन या दो दिन का आपको समय चाहिए और आप उसके बाद आप वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है अगर आपके साथ ऐसा कहीं भी हो रहा है कि आपको इस तरह के अपराधों में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो जजमेंट है ये केवल 498A में ही नहीं बल्कि उन सारे अपराधों में काम करेगा जो कि कम संगीन प्रवृत्ति के हैं और ऐसे अपराधों में आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी अपराध में आपके ऊपर कंप्लेन की गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपको बिना किसी वजह के आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो आप इस जजमेंट की कॉपी को आप निकलवा करके आप आराम से उसमें संलग्न करवा सकते हैं और जिसके माध्यम से आपको जो अरेस्ट किया गया है वो उससे आपको बरी कर दिया जाएगा। बरी कर दिया जाएगा का मतलब ये हो गया कि आपकी जो भी गिरफ्तारी हुई है उससे आपको छूट मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी भी इस तरह का कोई केस हुआ है या अगर हुआ है तो क्या पुलिस वालों के द्वारा भी आपको परेशान किया जा रहा है, या जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप उसको बता सकते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपको चाहिए कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो जल्द ही बनाया जाए।
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी आपके अधिकार हैं उनके लिए आप लड़ते रहिए। कहीं भी आप इस वजह से पीछे मत हटा करिए कि अगला इंसान आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। अगर कोई आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उससे आपको ही लड़ना है, न कि कोई तीसरा व्यक्ति आएगा आपके लिए खड़े होने। तो अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल लड़ते रहिए, इस चैनल पर बने रहिए और अपने अधिकारों को जानते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।